नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मालविया आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्पेशल मोटर टाइप एंड एप्लीकेशन, कि हमारी स्पेशल मोटर कितने टाइप की होती है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे स्पेशल मोटर के एप्लीकेशन एंड टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारा स्पेशल मोटर का जो पहला टाइप होता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मतलब इसके नाम से पता चलता है कि हमारा यूनी मतलब कि हमारा एसी एंड डीसी दोनों पे वर्क करने के कैपेबल होता है। ये हमारा एसी पे भी वोल्टेज पे भी काम करता है एंड डीसी वोल्टेज पे भी काम करता है। एप्लीकेशन की बात करें तो हम इसको मिक्सर, ड्रिल मशीन एंड टेबल फैन वगैरह में यूज करते हैं। और इसकी स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क जो है काफ़ी अच्छी होती है और ये हाई स्पीड पर भी रन कर सकता है। नेक्स्ट मोटर है हमारी फ्रेंड्स स्टेपर मोटर। फ्रेंड, स्टेपर मोटर को हम स्टेप मोटर भी बोल देते हैं। वो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसको स्टेपर मोटर या स्टेप मोटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेप बाई स्टेप रोटेशन करती है। मतलब एंगल, मतलब कुछ ही एंगल पे, जैसे हमारे क्योंकि हमारे रोबोटिक्स वगैरह में इसको हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि रोबोटिक्स के जो हमारे आर्म्स वगैरह होते हैं कुछ एंगल पे रोटेट करना होता है, तो ये कुछ एक एंगल पे ही रोटेट करती है। ये नहीं कि हम जैसे कि नॉर्मल मोटर होगी एक बार रन होती है तो पूरा राउंड लेने लगते हैं, नहीं, इसमें क्या होता है कुछ एंगल सेट होता है, उतने एंगल पे ही ये मूवमेंट करती है, इसलिए इसको हम रोबोटिक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टाइप है सर्वो मोटर। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सर्वो मोटर होती है ये भी हमारी स्टेपर मोटर के सिमिलर होती है। ये भी स्टेप वाइज रोटेशन करती है और इसके बाद इसका भी हम एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा रोबोटिक्स वगैरह में इसको यूज करते हैं क्योंकि हमारे कुछ एंगल पे रोटेट करती है, एंगुलर रोटेशन होता है इसके अंदर भी। फ्रेंड्स, हमारी जो अगली मोटर है जिसे हम बीएलडीसी मोटर यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर, जिसे फ्रेंड्स हम फ्यूचर मोटर भी कहते हैं क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे का रीज़न होता है फ्रेंड्स ये कि इसकी स्टार्टिंग टॉर्क अच्छी होती है, ये लाइट वेट होता है और ये हाई स्पीड पर रोटेट करता है। और इसके बाद फ्रेंड्स, इस ये हमारा डीसी मोटर का टाइप है जिसमें कि कार्बन ब्रशेज नहीं लगती है। मतलब कार्बन ब्रशेज जो होती हैं, अगर हमारी कार्बन ब्रशेज जो नॉर्मल डीसी मोटर होती है उसमें कार्बन ब्रशेज होती हैं, तो जब हम हाई स्पीड पे नॉर्मल डीसी मोटर को रोटेट कराते हैं तो कार्बन मोटर जो होता है हमारा घिस जाता है तो ख़राब हो जाता है। लेकिन हमारा ये जो बीएलडीसी मोटर होती है तो इसमें कार्बन ब्रशेज नहीं होते हैं, तो जिसके कारण इसमें हमारा इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी कम हो जाती है, इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारे डीसी मोटर है और इसमें कार्बन ब्रशेज नहीं लगी हैं। और इसके हम अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारे ड्रोन वगैरह में यूज़ होता है। फ्रेंड्स, हमारी जो अगली मोटर है उसकी बात करें तो हमारा है लीनियर मोटर। इसको हम आल्सो कॉल्ड लीनियर इंडक्शन मोटर। ये हमारा इंडक्शन मोटर का टाइप है। ये हमारा मेट्रो मॉल वगैरह के जो हम आप ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं जो अपने आप क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, उन जगहों पे यूज होता है। ये हमारा एक स्ट्रेट मूवमेंट टाइप का करते हैं, जैसे कि हमारा गेट वगैरह हो गया ये सीधे खुलते हैं बंद होते हैं, तो उसमें हमारा जो है लीनियर इंडक्शन मोटर होती है। लीनियर मतलब हमारा सीधा हो गया, मतलब ये सीधा एक तरह से रोटेशन होता है।